कानपुर में अपराध करने वालों की अब खैर नहीं है, अगर अपराध किया तो पुलिस कर देगी हाफ एनकाउंटर। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल कानपुर में फूलबाग चौराहे से एक दो वर्ष के मासूम बच्चे को बाइक सवारों ने सरेआम अपहरण कर लिया था, जिसमें पुलिस ने शनिवार देर रात आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र अंतर्गत फूलबाग चौराहे पर 24 फरवरी 2024 को दो बाइक सवारों ने दिन दहाड़े एक दो वर्ष के मासूम का अपहरण कर लिया था, जिसमें पुलिस कमिश्नर अखिल के निर्देश में पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी। और शनिवार देर रात पुलिस ने इस घटना में शामिल दो आरोपी को मुठभेड़ के बाद अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि एक महिला के संतान न होने की इस पूरी घटना को तीन आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए किदवाई नगर निवासी रंजन पंकज और एक महिला नीतू को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे कार्तिक को भी सकुशल बरामद कर लिया है। डीसीपी ने बताया कि इस पूरी घटना में खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2,00,000 रुपए इनाम स्वरूप दिया जाएगा। आरटीआई न्यूज 24 के लिए तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।